नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं मुंबई में स्थित श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर इस्कॉन टेम्पल में। यह मुंबई के जुहू क्षेत्र में स्थित है। आइए इस मंदिर की शोभा अंदर से देखेंगे और साथ ही श्री राधे कृष्ण भगवान का दर्शन भी आज हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। हमें यहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के अंदर आपकी और आपके बैग की चेकिंग की जाती है। यहाँ पे आपके बैग को स्कैन किया जाएगा। इसके बाद आप अपने बैग को मंदिर के अंदर लेकर प्रवेश कर सकते हैं। अब हम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यह पूरा मंदिर भव्य सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर में आकर्षक बारीक नक्काशी का काम किया गया है और मंदिर का कोना कोना बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इस ओर चप्पल स्टैंड है जो कि फ्री सेवा मंदिर द्वारा प्रदान की जाती है। आप अपनी चप्पलों को यहाँ पे सुरक्षित तरीके से रख दें। इसके पश्चात इस क्षेत्र पर आप अपने पैर धोकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें। यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। मुख्य द्वार पर ही मंदिर के क्रियाकलापों की समय सारणी लगी हुई है। मुख्य द्वार के सामने ही आपको प्रसाद भोग की सामग्री मिल जाएगी। यदि आप बांके बिहारी जी को अर्पित करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रसाद भोग की सामग्री खरीद सकते हैं। इस गेट के द्वारा हम मंदिर कक्ष के अंदर प्रवेश करेंगे। मंदिर के अंदर प्रभुपाद जी महाराज, उनके भक्त और श्री कृष्ण भगवान की मनोहर झांकियां लगी हुई हैं जो आपको बहुत ही आकर्षक लगेंगी। यह देखिए, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे काल चक्र को दर्शाता हुआ झांकी है। इस झांकी में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। यह महाभारत का दृश्य है। यहाँ विष्णु जी का नरसिंह अवतार दिखाया गया है। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं और भक्त प्रहलाद भी बाजू में खड़ा हुआ है। यह रामायण का दृश्य है। श्री रामचंद्र भगवान अपनी वानर सेना और लक्ष्मण जी के साथ हैं। यह रावण वध का दृश्य है। इस दृश्य में श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। इस क्षेत्र में फोटोग्राफी पूर्णतः वर्जित है। आपके दर्शन के उद्देश्य से हमने यह वीडियो बनाया हुआ है। यह मंदिर का मुख्य गर्भगृह है और इसके ऊपर की नक्काशी तो देखते ही बनती है। मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और दरबार में विराजमान है श्री रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी।
आगे दरबार में साक्षात विराजमान हैं श्री बांके बिहारी जी और राधा जी। इनके बाद श्री कृष्ण भगवान अपने दाऊ भैया के साथ विराजमान हैं। यहाँ श्री विट्ठल जी भगवान विराजमान हैं और दत्तात्रेय जी के भी दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। श्री गणेश भगवान अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हुए और विष्णु भगवान शेषनाग की संज्ञा पर क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। शंकर जी विष का प्याला पीते हुए, यह समुद्र मंथन का दृश्य है। इस दृश्य में दिखाया गया है कैसे मरने के बाद यमदूत शरीर से आत्मा को लेकर जा रहे हैं। यहाँ श्री राधे कृष्ण भगवान की भव्य रासलीला की झांकी प्रदर्शित की गई है। मंदिर में हर समय भक्तों द्वारा सुंदर भजन गायन किया जाता है। आइए भजन का आनंद लेते हैं।
अब हम इस गेट से मंदिर के गर्भगृह कक्ष से बाहर निकलेंगे। गर्भगृह कक्ष के बाहर मंदिर प्रांगण के अंदर ही विभिन्न विभिन्न स्टॉल लगे हुए हैं, जहां आपको श्री कृष्ण भगवान से संबंधित धार्मिक किताबें, मूर्तियां, कपड़े, साज सज्जा के सामान, उपहार के सामान, खाने पीने का सामान और अन्य आकर्षक वस्तुएं मिल जाएंगी। इस हॉल से बाहर निकलते ही खाने पीने के लिए बहुत ही बड़ा कैंटीन यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज होता है। मंदिर के बाहर का दृश्य भी बहुत ही आकर्षक है। यह मुख्य मंदिर के पीछे का भाग है और यहाँ के आकर्षण से आपकी नजरें नहीं हटेंगी। यह मंदिर चारों ओर से बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखता है। यहाँ पे आए दिन मुफ्त भोजन प्रसादी बढ़ती रहती है। यहाँ पे आज खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है। खाने के साथ साथ पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। यह मंदिर के सामने का मुख्य भाग है। यहाँ की दीवारों पर प्रभुपाद जी महाराज, श्री कृष्ण भगवान, उनके भक्तों की मनमोहक झांकियाँ प्रदर्शित की गई है। आपको देखकर बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी।
यह इस्कॉन टेम्पल मुंबई के सुप्रसिद्ध जुहू क्षेत्र में स्थित है। यह जुहू बीच से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप फिले पार्ली रेलवे स्टेशन में उतर कर और ऑटो के द्वारा यहाँ पे आ सकते हैं। दर्शन हेतु मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपने जो अपने जूते चप्पल यहाँ पे रखे थे, जिसके बाद आपको एक टोकन दिया गया होगा, वह टोकन देकर आप अपने जूते चप्पल वापस ले सकते हैं। यहाँ की छाछ और लस्सी बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप इस्कॉन टेम्पल आते हैं तो यहाँ की छाछ और लस्सी का आनंद जरूर लीजिएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की भक्ति में मंत्रमुग्ध नाचते गाते सैकड़ों भक्त आपको देखने को मिलेंगे। भक्तों की सुंदर प्रकृति को आप जरूर देखिए। यह मंदिर का निकास द्वार है, तो प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।